हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आई एम श्रुति पटेल टीचर ऑफ सीनियर के जी टुडे वी आर लर्निंग अबाउट ई वी एस सब्जेक्ट सो इन प्रीवियस वीडियो वी आर राइटिंग हार्ड वर्ड्स इन अवर लेसन नंबर ट्वेंटी वन द स्काई ओके हम लोगों ने हार्ड वर्ड्स लिख दिए थे और मैंने आप लोगों को फिर से सारा एक्सप्लेन भी किया था अगर आप लोगों को अच्छे से याद रह गया होगा कि इस लेसन में आपको क्या ध्यान में रखना है और क्या कौन सी कौन सी स्पेलिंग लर्न करनी है तो आप आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो अच्छे से कर पाओगे ओके सो so, आज हम क्या करेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे तो आज हमारा ये लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा यानी हमारा ईवीएस का पोर्शन भी सारा कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे रिविजन स्टार्ट करेंगे ओके सो लेट स्टार्ट राइटिंग टेक ऑन योर ई वी एस बुक पेज नंबर सिक्सटी फोर हमारी जो बुक है टेक्स्ट बुक उसका लास्ट पेज आपको निकालना है सो लेट स्टार्ट लुक एट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट नाइन डैश थ्री डैश टू वन ट्वेंटी वन ओके फर्स्ट एक्सरसाइज ए अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन द स्काई लुक्स ब्लू ग्रीन ड्यूरिंग द डे चलो अभी आप आसमान में देखो कौन सा कलर है आसमान का ब्लू है कि ग्रीन है ब्लू और वो भी अगर आपको ब्लू और ग्रीन की स्पेलिंग आती होगी तो ही पता चलेगा कि ब्लू कहाँ है और ग्रीन कहाँ है इसलिए मैं बोलती हूँ थोड़े थोड़े बहुत जो वर्ड्स होते हैं वो आप लोगों को अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए ताकि आप जब भी ये एक्सरसाइज करो तो आपको पता चले कि ये जो सेंटेंस है वो क्या कहना चाहता है अगर आपको ब्लू की स्पेलिंग आती होगी तो ही आप ब्लू कर पाओगे ओके यानी कि पूरे दिन में आसमान ब्लू कलर का होता है द सन गिव अस रेन हीट एंड लाइट सन हर रोज आता है वो क्या हमें हर रोज़ रेन यानी कि बारिश देता है नहीं हीट देता है हीट यानी धूप देता है गर्मी देता है और उसके साथ साथ लाइट यानी उजाला देता है ओके नेक्स्ट वी सी द मून एट नाइट डे मून यानी चंदा मामा वो हमें कब दिखते हैं नाइट में या डे में ये भी स्पेलिंग आपको लर्न होगी तो ही आप कर पाओगे कि चंदा मामा रात को आते हैं ब्लैक वाइट क्लाउड्स ब्रिंक रेन जब रेन यानी बारिश आने वाली होती है तब जो बादल होते हैं क्लाउड्स वो कि कौन से कलर के हो जाते हैं ब्लैक या वाइट ब्लैक वाइट तो अभी भी है तो क्या बारिश हो जाएगी नहीं जब भी बहुत तेज़ बारिश आने वाली होती है तब जो हमारा आसमान होता है वो पूरा काला काला हो जाता है बादल सारे ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं ओके वंस अगेन आई रिपीट दट स्काई लुक्स ब्लू ड्यूरिंग द डे द सन गिव अस हीट एंड लाइट वी सी द मून एट नाइट ब्लैक क्लाउड्स ब्रिंग रेन काले बादल बारिश लाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बी टिक और क्रॉस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वी सी मैनी स्टार्स इन द स्काई एट नाइट यानी कि हम सब बहुत सारे स्टार्स को देखते हैं रात को ऐट नाइट देखो यहाँ पे स्टार आपको अच्छे से वर्ड्स किए होंगे आपने तो ये स्टार्स और नाइट ऐसा आप लोग सिर्फ दो तीन जो वर्ड्स होते हैं वो आप लर्न कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टार्स है तो वो तो नाइट में यानी रात को ही देखते हैं तो ये हमारा राइट right आंसर है तो आपको ऐसे सीखना चाहिए पढ़ना भी आना चाहिए द सन राइजिस इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट चलो जब सन आता है तब वो ईस्ट में होता है कि वेस्ट में होता है वो कब आता है ईस्ट में आता है और जाता कब है वेस्ट में यहाँ पे देखो उल्टा दिया गया है मैंने बोला अभी द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट यहाँ पे देखो पूरा उल्टा दिया है वो आता है ईस्ट से और जाता है वेस्ट में लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है ये रॉन्ग है वी कैन नॉट फ्लोटिंग क्लाउड्स इन द स्काई क्या जब हम देखते हैं तो जो बादल होते हैं वो पूरे आसमान में फैले नहीं होते हैं कि फैले होते हैं फैले होते हैं ना हाँ तो यहाँ पे तो कैन नॉट दिखाया गया है तो ये भी रॉन्ग है तो क्रॉस रेनबो है सेवन कलर्स देखो जब रेनबो का मैंने सिखाया था तब मैंने आप लोगों को ये ब्लैंक्स के थ्रू समझाया था कि ऐसा आ सकता है कि रेनबो के कितने कलर्स होते हैं सेवन तो ये राइट आंसर है सेवन कलर्स ही होते हैं नेक्स्ट लुक एट दिस पिक्चर्स राइट डाउन देयर नेम्स यानी कि ये पिक्चर्स आपको देखने हैं और वो क्या है वो आपको अच्छे से लिखना है ओके okay? सबसे पहले ये क्या है सूरज है सूरज है ना हाँ तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है सूरज को हम क्या बोलेंगे सन तो यहाँ पे लिखना है S यू एन सन फिर ये क्या है स्टार्स आप लोगों ने स्पेलिंग लर्न की तो ही आएगा एस टी ए आर एस स्टार्स और ये एग्जाम में भी आएगा आपको अच्छे से करना है फिर ये क्या है बादल बादल है ना बादल को क्या कहते हैं क्लाउड सी एल ओ यू डी एस क्लाउड्स क्लाउड्स यानी बादल और फिर ये क्या है सेवन कलर में क्या होता है रेनबो रेनबो आर ए आई एन रेम बी ओ डब्ल्यू बो रेनबो ओके समझ में आया बच्चों अच्छे से करना है अगर इसके अलावा ब्लैक ब्लैक, ब्लैक चंदा मामा होता तो आपको तुरंत आना चाहिए कि ये रात को है डार्क में है तो ये हमें लिखना है मून एम O एन मून यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं अगर आए तो आपको आना चाहिए ओके ये आप लोगों को कंप्लीट करना है नेक्स्ट वीडियो से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे सो आज के लिए इतना ही बाय बाय